नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सीईटी पीजी हिंदी एग्जाम श्रृंखला का आज यह छठवां वीडियो है और आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति का। पिछले साल जून 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसमें 2-3 प्रश्न इस चैप्टर से आए थे, भारत के संविधान में हिंदी को जो दर्जा दिया गया उससे लेकर। तो यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और चूंकि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से सभी चीजों को पढ़ना है, सभी चीजों को देखना है। तो इस सीरीज में अभी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, आज यह मेरा छठवां वीडियो है। यदि पिछले 5 लेक्चर्स आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अगर आप बहुत ही ईमानदारी से मेरे पूरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में सफल होंगे। तो चलिए इसी भावना के साथ हम आज का यह लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ हिंदी, साथ ही साथ में प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत प्रशासनिक हिंदी के संबंध में भी इस एपिसोड में चर्चा करूंगा। तो आप इसको शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। हिंदी की संवैधानिक स्थिति मतलब अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ हिंदी, अर्थात भारत के संविधान में हिंदी को क्या दर्जा दिया गया है और इससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, यह आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अंग्रेजों के समय में जो भारत की राजभाषा थी, जो सरकारी कामकाज की भाषा थी, प्रशासनिक भाषा थी, वह अंग्रेजी थी। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तब यह सबसे पहले यह समस्या थी कि हमारे सरकारी कामकाज की भाषा क्या होगी। तो भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, स्वीकार किया। अब जब संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो संविधान में उसके लिए कुछ व्यवस्था भी की गई, कुछ अनुच्छेद भी निर्धारित किए गए। तो आज हम इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि राजभाषा होता क्या है और राजभाषा की आवश्यकता क्यों होती है। आपको पता है कि जो सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है, जो प्रशासनिक जो भाषा होती है, उसमें एक औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है, विशेष प्रकार की शब्दावली का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रशासनिक हिंदी है, यह जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, प्रशासनिक हिंदी, यह आम बोलचाल की भाषा से पूरी तरह से भिन्न होती है, अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा या प्रशासनिक भाषा आम बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि राजभाषा होता क्या है। तो राजभाषा से तात्पर्य है सरकारी कामकाज की भाषा। जब हम राजभाषा की चर्चा करते हैं तब यह केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। तो राजभाषा भी 2 प्रकार की होती है, एक तो केंद्र सरकार की राजभाषा जो कि हिंदी है और प्रत्येक राज्य की अपनी राजभाषा या राजभाषाएं होती है। राज्यों की राजभाषाएं अलग होती है लेकिन केंद्र सरकार की या संघ सरकार की जो राजभाषा है वह हिंदी है। तो केंद्र सरकार के कार्यालय में कौन कौन से कार्यालय आते हैं, आइए हम देखते हैं। केंद्र सरकार का कोई भी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जो आयोग का गठन किया जाता है, कोई समिति बनाई जाती है, कोई अधिकरण या ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, यह केंद्र सरकार के कार्यालय की परिधि के अंतर्गत आता है। इसके बाद ये सारी बातें महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय, जैसे जीवन बीमा निगम है या फिर पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, एनटीपीसी, भेल, गेल, सेल, या फिर जो अधिसूचित बैंक हैं, शायद 19 या 21 अधिसूचित बैंक हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस तरह के जो बैंक हैं, जो अधिसूचित बैंक हैं, इन्हें केंद्र सरकार का कार्यालय माना जाता है। तो ये जो हम संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसको हम आज देखेंगे। तो ये जो मैं बता चुका हूं कि जो राजभाषा है वो आम बोलचाल की भाषा से पूरी तरह से भिन्न होती है क्योंकि इसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। पारिभाषिक शब्द मतलब टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। पारिभाषिक शब्दों को तकनीकी शब्द भी कहा जाता है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी कहा जाता है। और पारिभाषिक शब्दों को बनाने के लिए, पारिभाषिक शब्दों अथवा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को बनाने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेश द्वारा 1 अक्टूबर 1961 को, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, 1 अक्टूबर 1961 को माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेश द्वारा एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया था। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत गठित किया गया था। ठीक है, पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द या पर्याय की पहचान या विशेषता यह है कि एक शब्द या पर्याय के बदले अन्य का प्रयोग संभव ही न हो।
तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पारिभाषिक शब्दावली को। पारिभाषिक शब्दावली का एक निश्चित अर्थ रहता है और इसके लिए सरकार ने एक आयोग बनाया है और ये इस तरह की किताबें वे प्रकाशित करते हैं। जैसे प्रशासनिक शब्दावली आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो इन शब्दों का प्रयोग केंद्र सरकार के कार्यालयों में किया जाता है। ये आप किताब देख सकते हैं, यह उसी प्रशासनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा तैयार किया गया प्रशासनिक शब्दावली है। इसी तरह की वे किताबें तैयार करते हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए पहले, तो ये आप समझ गए होंगे। ये बहुत सारी किताबें लोग छापते हैं, इनका काम है हमारे लिए शब्दों का निर्माण करना, जिनका प्रयोग केंद्र सरकार के कार्यालयों में किया जाता है। और इसका एक अलग से चैप्टर होता है प्रशासनिक शब्दावली का, पारिभाषिक शब्दावली का। अब हम देखेंगे कि भारत के संविधान में जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए 14 सितंबर का दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और केंद्र सरकार के कार्यालयों में कहीं हिंदी माह, कहीं हिंदी पखवाड़ा और कहीं हिंदी सप्ताह का आयोजन किया जाता है। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये विश्व हिंदी, जितने भी हिंदी सम्मेलन हुए उनको आप पढ़ लीजिएगा। अब राजभाषा के संबंध में क्या क्या संवैधानिक उपबंध किए गए, सबसे पहले महत्वपूर्ण तो यह है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि राजभाषा के संबंध में जो उपबंध किए गए हैं वो कहां किए गए। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, आर्टिकल 343 अप टू 351, भाग 17 पार्ट 17। भाग 17 में कहां से कहां तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था किया गया है भारत के संविधान में, भाग संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, फ्रॉम आर्टिकल 343 अप टू 351, ठीक है। अब ये भाग 5 भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 5 में यह व्यवस्था की गई अनुच्छेद 120, अनुच्छेद मतलब होता है आर्टिकल, आर्टिकल 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मातृभाषा में भी वहां पर संसद सदस्य भाषण दे सकते हैं, लेकिन संसद के पटल पर रखे जाने वाले सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी में रखे जाते हैं, तो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा हो गई। इसके बाद अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा, यह भी पिछली परीक्षा में टेबल ए और टेबल बी करके जोड़ी मिलाने के लिए यह प्रश्न आया हुआ था। तो यही जो पार्ट है यह आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको आपको ध्यान से देखना है पूरी तरह से और आपको अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है, क्योंकि जोड़ी मिलाने के लिए आएगा, टेबल ए टेबल बी पिछली परीक्षा में आ चुका है। अनुच्छेद 310 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा, विधानमंडल में क्या क्या आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद है ना, राज्यपाल भी शामिल है इसमें। तो विधानमंडल कुछ राज्यों में विधान परिषद है, कौन कौन से राज्यों में आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद में जो प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा है वह राज्यों की अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी राजभाषा होती है, उनकी अलग राजभाषा है। अब ये भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली परीक्षा में भी आ चुका है, ये तो पूरा आपको आर्टिकल याद करना है, ज्यादा आर्टिकल नहीं है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 तीन भागों में विभाजित है, अनुच्छेद 343(1), 343(2) और 343(3). आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा डिटेल में, क्योंकि यह पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है यह आर्टिकल। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के गठन का प्रावधान है। तो इसमें यह व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के 5 साल के बाद और उसके बाद प्रत्येक 10 साल के बाद एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, जो राष्ट्रपति महोदय या महोदया को हिंदी के प्रयोग और प्रचार प्रसार के संबंध में सिफारिश करेंगे। और इसमें एक संसदीय समिति की के निर्माण का प्रावधान है और इस संसदीय समिति में, जिसे संसदीय राजभाषा समिति कहा जाता है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुन ले, परीक्षा में पूछा जा सकता है, यह सभी इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, राजभाषा विभाग की साइट पर सारी बातें आपको मिल जाएंगी। ये संसद की जो समिति होती है, संसदीय राजभाषा समिति, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बने होते हैं। इसमें लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं और इन सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनका वहां पर निर्वाचन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद तो पूरा करनी है, ये मेन पॉइंट जो मैंने बता दिया इसको आपको याद रखना है।
अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 345 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं क्या होंगी। राजभाषा को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राज्यों की अपनी राजभाषा या राजभाषाएं हैं, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली की अपनी राजभाषा या राजभाषाएं, तमिलनाडु की अपनी तमिल होगी, तमिल राजभाषा है, और केरल का मलयालम है, बंगाल का बांग्ला है। इस प्रकार राज्यों की अपनी राजभाषाएं होती है। केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी है, संघ सरकार की राजभाषा हिंदी है, और राज्यों की अपनी राजभाषाएं होती है, उनका जो नेटिव लैंग्वेज होता है वह उनकी राजभाषा, या फिर अन्य भाषाओं को भी वे राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। अनुच्छेद 346 में यह व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 346 में यह व्यवस्था की गई है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच पत्र व्यवहार की भाषा क्या होगी, तो यह हिंदी और अंग्रेजी है। अनुच्छेद 347 में यह व्यवस्था की गई है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। मतलब कई राज्य में जो जनसंख्या का छोटा सा हिस्सा एक अलग भाषा या बोली का प्रयोग करता है, उनके संबंध में यदि कुछ नियम कानून बनाना है सरकार को, तो इसके संबंध में विशेष प्रयोजन किया जा सकता है। अनुच्छेद 348 हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 348। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, तो यह भाषा अंग्रेजी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। इसी प्रकार लोकसभा या राज्यसभा में जो भी अधिनियम या विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, अधिनियम मतलब होता है एक्ट या फिर कानून, और विधेयक मतलब होता है बिल। तो जब भी मौलिक रूप से कोई विधेयक और या फिर कोई अधिनियम राज्यसभा अथवा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी मूल भाषा होती है अंग्रेजी, बाद में उसका अनुवाद किया जाता है, तो अंग्रेजी को ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 349 आर्टिकल 349 में क्या व्यवस्था की गई है, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, भाषा से संबंधित कानून बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, इस पर यहां पर चर्चा की गई है। अनुच्छेद 350 यह भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे अनुच्छेद तो आपको याद करना है पूरा, 120, 210 एंड 343 to 351 पूरी तरह से आपको याद होना ही चाहिए। तो यहां पर ये भाग पांच, यहां पर भाग पांच नहीं है, ये एक्चुअल में भाग 17 है, तो इसको आप इग्नोर करें, ये भाग 17 है, ये धोखे से यहां पर प्रिंट हो गया है। तो निश्चित रूप से मेरा यह एपिसोड आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, परीक्षा में यहां से बहुत, आप यहां पर बाद में उत्तर मिलाने के लिए मत आइए, शुरू से आप इसको पढ़कर याद कर लीजिए, क्योंकि बाद में मुझे मालूम है कि जब परीक्षा आपका समाप्त हो जाएगा तो मेरे नोट्स से आप उत्तर मिलाने जरूर आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप शुरू से ही पढ़ते चलिए मेरे साथ, और परीक्षा में आप सफल हो, मेरी यही शुभकामना है आपके साथ। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। सरकारी काम करते हुए या फिर हमको सरकार से कोई शिकायत होती है तो इसको बोलते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल। व्यथा का निवारण को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल। इसके निवारण करने के लिए अभ्यावेदन मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। यदि कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है तो केंद्र सरकार को वह हिंदी या अंग्रेजी में अपना रिप्रेजेंटेशन अथवा अभ्यावेदन दे सकता है। सरकार से कोई शिकायत है, किसी अधिकारी से कोई शिकायत है, तो इसी प्रकार राज्य सरकार के कार्यालयों में जो राज्यों की जो राजभाषा है या राजभाषाएं हैं उसमें वे अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अनुच्छेद 351 आर्टिकल 341 यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। इसमें भारत की संसद के द्वारा केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए, और इसमें यह कहा गया है कि सरकार का यह दायित्व है, संघ सरकार का यह दायित्व है कि वह हिंदी का प्रचार करे, प्रसार करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और भारत की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वहां से शब्द लेकर शब्द संपदा को समृद्ध करे। मतलब इसमें यह व्यवस्था की गई है कि भारत की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं या फिर जो विदेशी भाषाएं हैं वहां से शब्द ग्रहण करके राजभाषा हिंदी का विकास करे। यह किसका दायित्व है, केंद्र सरकार का दायित्व है। इसीलिए हिंदी की शब्दावली में चार प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। मतलब राजभाषा के अंतर्गत चार प्रकार के शब्द मिलते हैं, तत्सम मतलब जो तत्सम मतलब संस्कृत के समान या संस्कृत, जैसे कक्ष क्रमांक बोलते हैं कक्ष क्या हो गया, संस्कृत हो गया। तद्भव क्या हो गया, कमरा, कमरा संख्या, तो कमरा हो गया तद्भव। और देशज, देशज जैसे फाइल है, मिसिल वगैरह जो हम बोलते हैं मिसिल, दस्ता, यह हो गया
देशज शब्द, खटिया इत्यादि जब हम बोलते हैं। इसके बाद विदेशी शब्द क्या होते हैं, जैसे फाइल है, नोटिस है, डॉक्टर है, उसको हमने एज इट इज, मॉनिटरिंग है, एज इट इज हमने अडॉप्ट कर लिया है। तो यह आप भली भांति समझ चुके होंगे। आपको मैं पहले बताया था कि यह जो भाग 17 है इसमें अनुच्छेद 343 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यही संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित करता है। तो यह परीक्षा में पिछले बार पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में हिंदी को यह बोला गया कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343(1) है। तो आइए हम इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद जो 343 है, जो हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा देता है, आर्टिकल 343, यह तीन भागों में विभाजित है। पहला है अनुच्छेद 343(1), इसमें यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि मतलब होता है स्क्रिप्ट। किसी भी भाषा को हम जिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं अथवा जिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे हम कहते हैं देवनागरी। देवनागरी में भारत की अन्य भाषाएं भी लिखी जाती हैं, जैसे संस्कृत है, नेपाली है, मराठी है, इन्हें भी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो अनुच्छेद 343(1) में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसी प्रकार संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यहां संघ से तात्पर्य है केंद्र सरकार। अंकों के रूप में हम भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग करेंगे। अंक प्रणाली का जन्म भारत में हुआ था, फिर यह अरेबियन कंट्रीज में चला गया, फिर यूरोपियन कंट्रीज में चला गया, फिर यह भारत में आ गया। तो आज हम जिन न्यूमरल्स का प्रयोग करते हैं, जो मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। तो इन्हीं अंकों का हमको प्रयोग करना है। भले ही हम इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एटसेट्रा। अनुच्छेद 342(2) में यह व्यवस्था की गई है कि इसको मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सभी कामों के लिए यथावत जारी रहेगा जिन कामों के लिए पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था। आपको पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, अर्थात 26 जनवरी 1965 तक हमको उन सभी कामों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की छूट दी गई थी जिनके लिए हम पहले अंग्रेजी का प्रयोग करते थे। मतलब 26 जनवरी 1965 तक हम अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते थे, इसकी व्यवस्था की गई थी संविधान के अनुच्छेद 343(2) में, अर्थात अनुच्छेद 343(2) में आर्टिकल। अनुच्छेद 343(3) में एक नई व्यवस्था कर दी गई। अनुच्छेद 343 के तीन भाग हैं। तीसरे भाग में यह व्यवस्था की गई कि यदि संसद चाहे तो इस 15 साल की अवधि के बाद भी अंग्रेजी भाषा का और अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट किए जाएंगे। तो अंग्रेजी के प्रयोग के लिए जो 15 साल की अवधि निर्धारित की गई थी, तो इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यदि अंग्रेजी के प्रयोग को हमको 15 साल से भी आगे बढ़ाना है, तब इसके लिए भारत की संसद कानून बनाकर, अधिनियम बनाकर अंग्रेजी के प्रयोग के लिए जो 26 जनवरी 1965 तक की अवधि है इसको आगे बढ़ा सकती है और देवनागरी के अंकों का प्रयोग भी करने का हमको अनुमति दे सकती है। तो यह हो गया। और अनुच्छेद 351 के बार बता देता हूं दोबारा, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भारत की जो संस्कृति है वह कंपोजिट कल्चर है। हर राज्य की अपनी संस्कृति है, हर राज्य की अपनी भाषा है, इसे हम कहते हैं अनेकता में एकता। तो इसमें यह प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ सरकार को अथवा केंद्र सरकार को हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने का दायित्व सौंपा गया है। तो यह सभी आर्टिकल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरा आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और अगर अभी तक आप देखते हुए आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें, क्योंकि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए मेरा यह चैनल जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक राजभाषा आयोग, आपको मालूम है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 में आर्टिकल 344 में यह कहा गया था कि संविधान के लागू होने के 5 साल के बाद एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आज के एपिसोड में मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूं वह आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1955 में स्थापित खेर आयोग प्रथम राजभाषा आयोग था। तो यह 1955 में यह आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे श्री बाल गंगाधर खेर, जिसे हम संक्षेप में बीजी खेर के नाम से जानते हैं।
खेर आयोग इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर, जिसे हम संक्षेप में बीजी खेर के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1956 में अपना प्रतिवेदन अर्थात अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा था और इसमें यह बताया था, जो भी अपनी सिफारिश है राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में इन्होंने राष्ट्रपति को सिफारिश की थी। तो ये तो हो गया, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब इन्होंने जो सिफारिश की थी उसका मूल्यांकन करने के लिए, उस पर अपना राय या प्रतिवेदन देने के लिए 1957 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1957 में गृह मंत्री के प्रस्ताव पर एक समिति का गठन हुआ था, संयुक्त संसदीय समिति और इसके अध्यक्ष थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और इसे हम पंत समिति के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1959 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसमें इन्होंने यह सिफारिश की थी कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग केंद्र सरकार के कार्यालयों में जारी रहना चाहिए। इसको बाद में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसके लिए एक अधिनियम बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि अंग्रेजी के प्रयोग को हमको 15 साल से आगे बढ़ाना है तब संसद को एक अधिनियम अथवा एक्ट बनाना जरूरी था। तो इस अवधि को आगे बढ़ाने के लिए 1963 में एक राजभाषा अधिनियम बनाया गया, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 या फिर राजभाषा अधिनियम 1963 के नाम से जानते हैं। चलिए संक्षेप में हम उसे भी देख लेते हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। राजभाषा अधिनियम 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। कुछ छात्र अंग्रेजी माध्यम से भी आते हैं, इसलिए उनकी सुविधा के लिए मैं आपको अंग्रेजी में भी यह बता देता हूं। तो यह जो अधिनियम है 10 मई 1963 को अस्तित्व में आया था। तो यह डेट इंपॉर्टेंट है, यह एक्ट कब लागू हुआ था, 10 मई 1963 को। इस अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, 9 सेक्शंस हैं, 9 धाराएं हैं। और इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या हुआ, इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि भारत में अर्थात केंद्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक होता रहेगा। यह सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, किसी भी मेरे पॉइंट को आप इग्नोर ना करें। राजभाषा अधिनियम, ये दो बार टाइप हो गया है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3-3 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी 14 दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए। तो राजभाषा अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार के कार्यालय में जो विशेष प्रकार के 14 दस्तावेज जारी किए जाते हैं वे हमेशा बायलिंगुअल रूप में जारी होने चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। इसकी सूची मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। तो यह 14 दस्तावेज आपके लिए महत्वपूर्ण है और धारा 3-3 आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद इस अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है। मैं बता चुका हूं कि अनुच्छेद 344 में जो संसदीय राजभाषा समिति का के गठन का प्रावधान किया गया है, यहां उसका पुनः उल्लेख किया गया है। तो इस अधिनियम की धारा 4 महत्वपूर्ण है, इसके अनुपालन में संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और इनका जो निर्वाचन होता है यह लोकसभा और राज्यसभा में एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। अब राजभाषा अधिनियम 1963 ये हमने पढ़ चुके हैं, दोबारा यह स्लाइड टाइप हो गया है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3-3 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले 14 दस्तावेज वे कौन कौन से दस्तावेज हैं जो केंद्र सरकार के कार्यालय में हमेशा द्विभाषी रूप में अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में एक साथ जारी किए जाते हैं। तो ये 14 दस्तावेज हैं, सामान्य आदेश, जनरल ऑर्डर्स, संकल्प, रिजोल्यूशंस जो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है, नियम मतलब रूल्स सरकार के द्वारा समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक्स मतलब जो हम प्रेस में देते हैं, हिंदी या अंग्रेजी न्यूज़पेपर में जो देते हैं हमेशा द्विभाषी होना चाहिए, अधिसूचना नोटिफिकेशंस समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं वह हमेशा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होने चाहिए, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स, निविदा सूचना, टेंडर नोटिसेस, निविदा प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ टेंडर। इसके बाद धारा 3-3 के अन्य कागजात हैं, नवा मतलब करार, एग्रीमेंट, अनुज्ञप्ति मतलब होता है लाइसेंस, अनुज्ञा पत्र मतलब होता है परमिट्स, संविदा मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट्स, और संसद में प्रस्तुत किए जाने वाली सभी प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें और संसद में प्रस्तुति हेतु अन्य शासकीय कागजात, ये सभी हमेशा द्विभाषी रूप में होने चाहिए। इसके बाद एक राजभाषा नियम 1976 बनाया गया था, मतलब इन सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए इन सभी प्रोविजंस, इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस किए गए हैं, जो भी प्रावधान किए गए हैं, इनको विधिवत रूप से लागू करने के लिए
भारत सरकार ने 1976 में एक राजभाषा नियम बनाया था जिसे हम कहते हैं राजभाषा नियम 1976, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। और इस नियम में, इस नियम का जो दूसरा नियम है, इसमें कुल 12 नियम होते हैं, अभी आगे बताऊंगा मैं, आप ध्यान से सुनते रहिए। राजभाषा नियम 1976 के नियम 2 में भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो राजभाषा नियम 1976 के नियम 2 के आधार पर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भी बता रहा हूं ना, आप ध्यान से सुन लीजिए, इससे आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा परीक्षा में, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लेते तो कोई भी परीक्षा में आप ये राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके बन जाएंगे। तो राजभाषा नियम 1976 में यह नियम बनाया गया था और इसमें कुल 12 नियम है। इसका जो दूसरा नियम है उसके अनुसार भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 रीजन्स में बांटा गया है। कौन क्षेत्र मतलब रीजन है, इसमें सारे हिंदी भाषी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। क क्षेत्र में आते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। क क्षेत्र में ये सारे आते हैं हिंदी भाषी राज्य। ख क्षेत्र में आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली, ये संघ राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात हिंदी से जो मिलती जुलती भाषाएं हैं वे सभी आते हैं ख क्षेत्र में। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़, दमन और दीव और दादर तथा नगर हवेली, इसको बोलते हैं रीजन बी। ग क्षेत्र में वे सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं जो क और ख में शामिल नहीं है। इसमें अधिकांश हिंदीतर भाषा भाषी और पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, अर्थात इसके अंतर्गत पहला नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ग क्षेत्र ये हो गया जो क और ख में शामिल नहीं है। अब जरा हम राजभाषा नियम 1976 को देख लेते हैं। 1987 में इसमें संशोधन हुआ था। इसे कहा जाता है राजभाषा नियम, राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए नियम 1976। 1987 में इसमें संशोधन किया गया था, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। तो इन नियमों को क्या कहा जाता है, इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 है। दूसरा, इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है। तमिलनाडु राज्य में राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होता इसके हिसाब से। अनुच्छेद इसमें कुल 12 नियम है, यह सभी मैं भारत के संविधान की किताब से लिया हूं तो सभी ऑथेंटिक हैं, प्रमाणिक हैं। इसमें कुल 12 नियम है और नियम 2 में आपको बता चुका हूं पहले ही, नियम 2 के अनुसार भारत में स्थित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र, रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। अब हम देखते हैं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। भारत की ये सभी चीजें महत्वपूर्ण है, आपको याद में रखना है, याद रखना है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं, कि संविधान के 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में टोटल 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है और ये भाषाएं हैं असमिया, इसको मैं रेंडमली लिख लिया हूं, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि राजभाषा क्या है, भारत के संविधान में राजभाषा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, प्रशासनिक हिंदी क्या है, प्रशासनिक हिंदी की आवश्यकता क्यों होती है प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत। तो यदि मेरा आज का यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही आप अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके मित्र भी देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकें। यह मेरा बहुत ही ईमानदार प्रयास है, मैं आपको एकदम स्टैंडर्ड और प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध कराने का विनम्र प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपकी सफलता मेरे से ज्यादा आपके मेहनत पर निर्भर करती है। मेरा काम सिर्फ मार्गदर्शन का है और बहुत सारी सामग्री मैं आपको अभी उपलब्ध कराने वाला हूं। यह लेक्चर का सीरीज अभी बहुत लंबा चलने वाला है, इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।